स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाने वाले हरिकेन का नाम क्या है? ए हरिकेन हेलेन, बी हरिकेन अर्नेस्टो, सी हरिकेन बेबी, डी हरिकेन बेरिल। आंसर ए हरिकेन हेलेन। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन हेलेन के कहर से 93 लोगों की मौत हो गई है। हरिकेन हेलेन एक बड़ा तेज गति से चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये फ्लोरिडा के बिग बेन क्षेत्र में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था। ये 2024 के अटलांटिक हरिकेन के मौसम का 5वां हरिकेन है। अगला प्रश्न, बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था? ए आयतुल्लाह खामेनी, बी बशर अल असद, सी महमूद अब्बास, डी हसन नसरुल्लाह। आंसर डी हसन नसरुल्लाह। एक्सप्लेनेशन, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान समर्थित आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया था, मध्य पूर्वी राजनीति और संघर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष का प्रस्ताव रखा? ए 2020-21, बी 2021-22, सी 2022-23, डी 2023-24। आंसर सी 2022-23। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्रकाशित करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित कारखाना उत्पादन वृद्धि के लिए भी आधार वर्ष बदला जाएगा। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी केरल। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों को राज्य माता की उपाधि दी। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना की भी घोषणा की। इस पहल को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी केरल। आंसर बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिकी अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के लिए व्यापक दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग ने इस उद्देश्य के लिए छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा है और छात्रों की संख्या और अवधि के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए धन का आवंटन किया है।